हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कंचन शर्मा और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मस्क मेलन मिल्कशेक की रेसिपी। गर्मियों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में सभी को जो है कुछ न कुछ ठंडा खाने या पीने का मन करता ही है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मस्क मेलन मिल्कशेक की रेसिपी, जिसे खरबूजे का मिल्कशेक भी बोलते हैं। बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर ये बनकर तैयार हो जाती है। स्वाद और सेहत से भरपूर, आप इसे अपने व्रत उपवास के लिए भी बनाकर पी सकते हैं। जैसे अभी नवरात्रि का व्रत उपवास आने वाला है, तो आप इसे अपने व्रत उपवास के लिए बनाइए, पीजिए। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो चलिए बिना देर के आज की हमारी ये रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है खरबूजे के जो मिल्क शेक बनाने के लिए 1 बाउल कटी हुई खरबूजे लिए हैं। खरबूजा जो है अच्छा पका हुआ होना चाहिए मिल्क शेक के लिए। कच्चा खरबूजा नाला इस तरीके से अच्छे पके हुए खरबूजे का ही आप इस्तेमाल करें मिल्क शेक बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमने ये 1 बाउल जो है खरबूजा लिया है, इसे हमने छीलकर इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर लिया है। तो यहाँ पर हम ये जार लेंगे, जार में हम ये डाल देते हैं खरबूजा। और इसमें हम मीठे के लिए ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर, आप चाहे तो शुगर स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे खजूर। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 जो है खजूर के बीज जो है निकाल कर लिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। खजूर से हमारा जो मिल्क शेक है उसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, या फिर आप शुगर को स्किप करके खजूर की मात्रा को और भी बढ़ा सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी स्वीटनेस जो है मिल्क शेक में आ जाती है। और इसमें हम फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे इलायची का पाउडर 1/4 टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे ठंडा ठंडा दूध, एकदम ठंडा दूध हमें डालना है। तो यहाँ पर हमने 1 गिलास दूध लिया है, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा दूध जो है डाले हैं, थोड़ा सा हमने बचाया है, हम बाद में ऐड करेंगे। पहले हम इसे ऐसे ही ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे कर लिया है ब्लेंड। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 आइस क्यूब, ये ऑप्शनल है, अगर आपको ज़्यादा ठंडा चाहिए तो ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद हम ये बचा हुआ सारा दूध जो है डाल देंगे और अगेन हम इसे ब्लेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कर लिया इसे ब्लेंड, अब हम इसे ग्लास में पोर कर लेते हैं। तो ये हमारा ठंडा ठंडा जो है खरबूजे का मिल्क शेक रेडी हो चुका है। और इसके ऊपर थोड़ा सा कटा हुआ बादाम पिस्ता से हम गार्निशिंग कर देंगे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो, काजू बादाम पिस्ता डालकर सर्व कर सकते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी आज की मस्क मेलन डेट मिल्क शेक। बहुत ही स्वाद और सेहत से भरपूर ये मिल्क शेक बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अपने व्रत उपवास में भी आप इसे बनाकर पी सकते हैं। और कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हो, मेरी ऐसी और भी रेसिपीज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियोज के अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।